तो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट एडिट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसका स्किन रिटच, हेयर वर्क, कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फोटो की कुछ बेसिक सेटिंग कर लेते हैं कैमरा में जाके। तो कंट्रोल शिफ्ट ए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपना कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इसके अलावा अपने हाईलाइट में थोड़े से कम कर देता हूँ, वाइट भी, और मैं अपने ब्लैक्स थोड़े से बढ़ा लेता हूँ। इसके अलावा मैं अपना टेक्सचर और क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कुछ पिंपल हैं, निशान हैं, इनको हम सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। तो आपने ये अपना स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और आपने अपने निशान वाले एरिया पर जाके क्लिक कर देना है। देखिए वहाँ पर ये निशान ख़त्म हो गया है। इस तरीके से आप अपने फेस से निशान वगैरह रिमूव कर सकते हैं, पिंपल हो या निशान हो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं अपना स्किन रिटच। तो उसके लिए हम सबसे पहले दो लेयर्स बनाएंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपके पास एक लेयर बन जाएगी, ये देखिए लेयर वन। इसके बाद जब आप दोबारा प्रेस करेंगे कंट्रोल जे तो आपके पास एक और लेयर बन जाएगी जिसका नाम होगा लेयर वन कॉपी। तो आप अपने लेयर वन पे पहले चले जाना है, इस तरह लेयर वन पे, और आपने ये अपने फिल्टर वाले ऑप्शन में आना है। फिल्टर में आके आपने ये ब्लर पे आके आपने गाशियन ब्लर लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए आपने 2.5 का गाशियन ब्लर लगा देना है। तो इसके बाद आपने अपने लेयर वन कॉपी पे चले जाना है और इस पर आपने लगाना है हाई पास। आपने दोबारा अपने फिल्टर में जाके अदर पे आके यहाँ पे देखिए हमें हाई पास का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपने 1.2 का हाई पास लगा देना है, ओके कर देना है। और इसके बाद आपने इसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर लाइट पे कर देना है। यहाँ पे देखिए इस तरह लीनियर लाइट, और आपने दोबारा अपनी लेयर वन पे चले जाना है इस तरह। ये देखिए लेयर वन पे आपका क्लिक कर देना है आपने दोबारा। तो इसके बाद आपने अपनी स्किन पे पूरा जूम कर देना है इस तरीके से, और आपने अपना मिक्सचर ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर आपको सेटिंग जो शो हो रही है ये आप सेटिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी स्किन का रिटच करना है, आपने अपनी स्किन पे प्रॉपर जूम कर लेना है। और उसके बाद आपने अपने ब्रश का साइज बड़ा कर लेना है इस तरीके से। देखें आपने अपनी स्किन को एक फ्लो में रिटच करते जाना है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं किस तरीके से इसे रिटच करने वाला हूँ। यहाँ पे आपने एक दो बातें ध्यान में रखनी है, जितना आपका एरिया हो उतना ही आपने अपने ब्रश का साइज़ रखना है। अगर आपका एरिया ज़्यादा हो तो आपने ब्रश का साइज बड़ा कर लेना है, अगर आपका एरिया कम हो तो आप अपने ब्रश का साइज छोटा कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैं साथ साथ अपने ब्रश का साइज छोटा बड़ा करते जा रहा हूँ। और आपने अपने एक फ्लो में रहते हुए अपनी स्किन को रिटच करते जाना है, आपकी स्किन बहुत ही प्यारी और स्मूथ तरीके से एडिट होगी। इसके अलावा आपने ये करना है कि आप अपनी पिक का जूम आउट कर देना है। अगर आपको स्किन में जूम आउट करके ज़रा से भी ख़राब लगे तो आपने फ़ौरन जाके उसे ठीक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ऊपर से नहीं ठीक लग रही, तो मैं इसे दोबारा आके करूँगा। इस तरह आप चेक करते रहेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी एडिट हो जाएगी। इसी तरह देखिए अब हम यहाँ से रिटच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने ब्रश का साइज़ छोटा कर लिया है। तो आप भी जब भी आपका एरिया कम हो जाए तो आप फौरन अपने ब्रश का साइज छोटा कर लें। इसी तरह आप अपने आईज के पास भी रिटच करेंगे और आप अपने ब्रश का साइज छोटा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने अपने ब्रश का साइज कितना छोटा कर लिया है। इसी तरह आप अपनी नोज को भी रिटच करेंगे तो आपने अपने ब्रश का साइज बिल्कुल छोटा कर लेना है। तो यहाँ पे अपनी लेयर वन को आप ऑफ ऑन करके अपनी स्किन का बिफोर आफ्टर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी स्किन पहले किस टाइप की थी और रिटच होने के बाद देखिए किस टाइप की हो गई है।
इसी तरह फिर आपने अपने नेक पे भी अपने ब्रश को यूज़ करना है। आपने अपने ब्रश का साइज़ यहाँ पे देखे छोटा कर लेना है और अपने स्किन को एडिट करना है। तो इस तरीके से आप अपना बिफोर आफ्टर चेक कर सकते हैं। तो अभी भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मसला लग रहा है, तो मैं इसे दोबारा ठीक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से एडिट हो चुकी है और स्किन का टेक्सचर भी ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ और मेरी स्किन भी प्रॉपर प्रोफेशनल किस्म की एडिट हो चुकी है। तो आप भी इस तरीके से अपनी स्किन को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो आपकी तीनों लेयर मर्ज हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मेरे फेस में थोड़ा सा रेड कलर आ रहा है, तो मैं सबसे पहले उसे ख़त्म कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं कैमरा रॉ में गया हूँ और यहाँ पे देखिए जाके मैंने अपने रेड को थोड़ा सा पीछे कर दिया। ये देखिए मेरे फेस में रेड कलर था, अब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं इसे इतना कम कर लेता हूँ और यहाँ पे व्यू में आके मैं थोड़ा सा इसे दूसरी तरफ कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए इससे मेरी स्किन की इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम कर लेते हैं अपना हेयर वर्क। तो हेयर वर्क करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एक्स अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, हमारे पास लिक्विफाई टूल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने हेयर पे आपने जूम कर लेना है और इसके बाद आपने ये फर्स्ट वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है और आपने जो ऊपर वाले आपके हेयर हैं उनको आपने थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ये देखें इस तरीके से। अगर आपका पहले फ्लो बना हुआ होगा तो तब भी आपके बाल अच्छे बनेंगे, अगर आपका फ्लो नहीं बना हुआ तो आपके बाल नहीं अच्छे बनेंगे। ये देखें इस तरीके से मैं अपने ऊपर वाले हेयर्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। इसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि आपके ब्रश का साइज बड़ा ना हो ज़्यादा। अगर आप थोड़े थोड़े बाल मतलब जिस तरह यहाँ पे छोटे बाल इस तरह कर रहे तो आपने ब्रश का साइज छोटा कर लेना है। इसी तरह अगर आपने बाल बड़े करने हैं तो आपने ब्रश का साइज बड़ा रखना है। और मैं अब इसे ओके कर देता हूँ। अभी ये मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे तो मैं इनके दोबारा थोड़ी सी और सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो आगे वाले हेयर थे इनको थोड़ा सा इस तरह आगे की तरफ कर देता हूँ। ये देखें इस तरीके से ब्रश के साइज देखें मैंने कितना बड़ा रखा हुआ है। यहाँ पे मैं अपने हेयर्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे बाल मैंने अपनी मर्ज़ी से सेट किए हैं जिस तरह मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस आपको अपने बाल अच्छे लगे आप उन्हें उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अपने बाल इस तरह अच्छे लगे हैं तो मैंने इन्हें इस तरह कर लिया है। आपको अपने बाल जिस तरह अच्छे लगे आप उन्हें उस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरा स्किन रिटच भी हो चुका है, इसके अलावा मेरा हेयर वर्क भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ ये ब्रश टूल की मदद से। यहाँ पर मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया, इसकी ओपेसिटी 4 है और देखिए मैं एक दफ़ा इसे इस तरह फेर दूँगा। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना ऑरेंज कलर कम कर दूंगा कैमरा में आके। यहाँ पे देखें इस तरह ऑरेंज को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। तो अब हम कर लेंगे अपना बैकग्राउंड चेंज। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने सिलेक्शन वाले टूल पे जाना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही देखिए हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गई है। तो जो थोड़ी बहुत रह जाए वो हमें मैनुअल अपने खुद करनी पड़ती है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप पेन टूल यूज़ करते हैं तो आप उससे कर लें। तो यहाँ पे मैं लेसर टूल यूज़ करता हूँ तो मैं इससे कर लूँगा अपनी सिलेक्शन। आपने बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन बनानी है जिससे हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से रिमूव होगा और ज़रा भी फेक नहीं मालूम होगा कि यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हुआ है। तो जैसे ही आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए आपने साइड क्लिक करना है माउस से और फीदर लगा देना है 2 का। यहाँ पे देखिए इस तरीके से
दो का सीधा लगा देना है। उसके बाद आपने अपने हेयर पे सिलेक्शन मास्क करना है। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन से हमारे प्रॉपर बाल सेलेक्ट नहीं हो गए। जब हम सिलेक्शन मास्क करेंगे तो हमारे छोटे छोटे बाल और प्रॉपर हमारे हेयर की सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप साइड क्लिक करेंगे और सिलेक्शन मास्क पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये वाला ब्रश चूज़ करना है और आपको अपने हेयर पे फेरना है, जिससे हमारे छोटे छोटे हेयर भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रो पे भी थोड़ा सा सिलेक्शन मास्क कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। इसके अलावा मैं अपनी बियर्ड पे भी कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी आपके हेयर्स वगैरह हो वहाँ पे आप सिलेक्शन मास्क लाजमी कर लें। तो यहाँ पे सिलेक्शन मास्क करने के बाद आपने इसे कर देना ओके, और आपने कंट्रोल जे प्रेस करके एक लेयर बना लेनी है। ये देखिए लेयर वन। फिर आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और लेयर के इस जगह पे क्लिक करना है दरमियान में। देखिए इस जगह पे क्लिक करते ही देखिए हमारी सिलेक्शन वापस आ गई है। इसके बाद आपने अपने बैकग्राउंड पे वापस जाना है और अपने अभी सिलेक्शन को सिलेक्ट इनवर्स कर देना है यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और कंट्रोल जैसे दोबारा एक लेयर बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लेयर बन गई है, एक लेयर वन है एक लेयर टू। तो लेयर टू पे आपने अपने मिक्सचर ब्रश टूल यूज़ करके अपने बैकग्राउंड को साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। अगर आपका बैकग्राउंड पहले से क्लीन है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट लाके अपना बैकग्राउंड पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे देखिए मेरा बैकग्राउंड काफ़ी गंदा है, तो मैं सबसे पहले इसे क्लीन कर लूँगा मिक्सचर ब्रश टूल से। इसकी सेटिंग आपने फुल कर देनी है यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और आपने अपने बैकग्राउंड को इससे क्लीन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं लगाऊंगा, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही सिंपल रखूंगा। तो जस्ट लेयर टू पे जाके कंट्रोल यू करके अपने सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि मेरे बैकग्राउंड पे थोड़ा सा कलर कम हो जाए। तो इसके बाद मैं देखिए कंट्रोल शिफ्ट इसे अपने तीनों लेयर मर्ज कर दूंगा। अगर आपको वहाँ पे बैकग्राउंड लगाना है तो आप वहाँ पे बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। उस पर मैंने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं बैकग्राउंड चेंजिंग पे, आप वो भी जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम कर लेते हैं कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले हम अपने कैमरा में जाएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी पिक की सेटिंग कर लेता हूँ, बेसिक सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, इसके अलावा टेक्सचर भी। यहाँ पे देखिए मैंने अपने वाइट थोड़े से कम कर दिए हैं। इसके साथ ये देखिए मैं टोन करके ऑप्शन पे जाके मैंने अपने थोड़े से हाईलाइट इस तरह बढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे कर दिया है ओके। तो मैं इस पर कैमरा का एक प्रीसेट अप्लाई करने वाला हूँ, तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही हैवी किस्म के प्रीसेट है जिससे आप अपनी बहुत ही हैवी किस्म की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रीसेट को अप्लाई करते ही मेरी कलर टोन कितनी हैवी किस्म की हो चुकी है। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप जाके इनको चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं X5 में जाके इसकी कुछ कलर ग्रेडिंग करूँगा और इस पर प्रीसेट अप्लाई करूँगा। तो आप चेक कर सकते हैं X5 का ये प्रीसेट अप्लाई करते ही मेरी स्किन थोड़ी सी डार्क टोन में जा चुकी है, और इसके अलावा मेरी ओवरऑल फोटो की बैकग्राउंड की थोड़ी सी फोटो के साथ मैचिंग हो गई है। तो यहाँ पे भी मैंने कैमरा से एक प्रीसेट यूज़ किया है लो ओपेसिटी पे, आप देख सकते हैं। तो ये कलर ग्रेडिंग सिर्फ मैंने प्रीसेट से ही की है। तो कैमरा के प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर तो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।